जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे और मैं हूं आपके साथ सोनू सिंह। अभी हम पहुंच चुके हैं बेगूसराय ज़िले के बरौनी प्रखंड के नूरपुर पंचायत में। हमारे यहां अभी नवीन कुमार सिंह जी हमारे समक्ष मौजूद हैं और अभी से कुछ दिन पहले भी इस पैक्स अध्यक्ष पद पे आसीन थे और अभी फिर से चुनाव में अभी पद आसीन हुए। आइए हम जानते हैं कुछ इनसे तीखी सवाल और इन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में इन्होंने क्या विकास का काम किया और क्या अभी इनकी कार्य करने की क्या ये अभी सोच रखे आगे क्या इनकी तरफ से अपने नूरपुर पंचायत में क्या विकास का ये काम करेंगे। आइए हम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर जी? मेरा नाम हुआ नवीन कुमार। नवीन कुमार, हम नूरपुर पैक्स अध्यक्ष में चुनाव जीते हैं 2019 का। पिछले बार भी कार्यरत थे? पिछले बार भी कार्यरत थे और किसान मजदूर हर वर्ग के हर धर्म के हर जात के लोगों ने खुल कर करके हमको वोट दिया और किसान के सवाल के लेकर के हम किसान का नेतागिरी भी करते हैं नूरपुर में और हम नूरपुर बरंद के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शाखा मंत्री हैं और किसान मजदूरों को लड़ाई जब से हम होश संभाले हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लेकर के दिन रात मजदूर किसान गरीब जनता के सेवा में लगे रहते हैं रात दिन। पिछले बार जो आप जीते थे तो पिछले बार की आपकी क्या पहल थी? पिछले बार हमारी यही पहल थी कि हमारे प्रतिद्वंदी में सुबोध सिंह खड़ा थे और सुबोध सिंह फर्स्ट पैक्स अध्यक्ष हुए थे। अब उस सुबोध सिंह से हम ही चुनाव हारे थे और जनता का ये बदला था कि नहीं नवीन को आना चाहिए क्योंकि नवीन पॉलिटिकल काज करता है और नवीन रात दिन जनता के बीच काम करता है, इसलिए नवीन ऐसा ही लोग होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब है कि पिछले बार जो आप कार्यरत थे उस पर आपकी क्या कार्य हुई थी वो पहले? पिछले बार जितने कार्य हुए थे बेगूसराय ज़िले के अंदर में, हमने नूरपुर पंचायत में 30 लाख GLG योजना के तहत जो गरीब जो जनता थी, गरीब जो महिला ग्रुप थी, उसको 30 लाख रुपये का कर्ज आज के डेट में 30 लाख रुपया नूरपुर में चल रहा है। 25 लाख KCC चल रहा है और किसानों को 4 टर्म खाद दिए। सरकार ने रोक लगा दिया कि जो रसायन शास्त्र से जो ओनर्स किए हुए हैं उसी को लाइसेंस दिया जाएगा और हम लोगों को लाइसेंस नहीं मिला और सरकार का जो कहा कि 20,000 रुपया जो पैक्स अध्यक्ष देगा उसी को लाइसेंस देंगे। इस बार की आपकी क्या कार्य होगी? आज इस बार जो किसानों का जो अभी जो फसल जो क्षति हुई है या मुख पर हमारा केंद्र बिंदु वही है कि किसानों को वाजिब हक मिले और अभी जो ओला दृष्टि जो हुआ है जैसे सरसों का फसल आलू का फसल जो डैमेज हुआ है उसके लिए हम हर प्रयास करेंगे किसानों को सही अनुदान मिले, सही उसको लागत पूंजी मिले और हम किसानों के लिए दिन रात किसान के बीच में काम करते हैं और काम करते रहेंगे, यही हमारा। आपके पंचायत में पैक्स अध्यक्ष के मतदाता कितने हैं? हमारे पंचायत में पैक्स अध्यक्ष मतदाता 1320 हैं और मतदान कर्मी मतदान गिरा 3744। हमारे कहने का मतलब है कि जो जैसे कि कोई मान लीजिए कोई हो गया नेता का या कोई लोकसभा या राज्यसभा का जब चुनाव होता है तो उस समय कितना मतदान होता है? उसमें मतदान होता 45-46। तो आखिर क्या वजह है इतना इसमें कम क्यों? वजह यह है कि जो बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग यहाँ से नए हैं, गांव में नहीं रहते हैं और इसलिए मतदान कम हुआ कि और मौसम भी विपरीत था और ठंड बहुत थी, ठंड के कारण बहुत जो क्या वजह है इसमें कम मतदाता रहते हैं? वजह यह रहते हैं जो किसान के पास जिसके पास ज़मीन है वही क्या मैंने पैक्स के सदस्य हो सकते हैं और किसान जिसके पास ज़मीन है, सरकार ने जब 2005 में जब घोषणा किया कि पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होगा बिहार में तो वो कैंप लगा करके मतदाता को वोटर बनाए। पहले नूरपुर महना और केसाब है एक पैक्स था और तब पंचायती राज व्यवस्था जब लागू हुआ तो पैक्स को भी पंचायत स्तर पर लागू किया गया। पैक्स के माध्यम से जैसे मछली पालन, गौ पालन, जितने तरह के जो किसान के काम होते हैं, बकरी पालन, ये सब जो कुल अनुदान है वो कुल पैक्स के माध्यम से मिलता है और हम प्रयास करेंगे कि ये साल 2020 में हम हरेक प्रयास करेंगे किसानों को सही कुल चीज़ मिले।